हूं आपका होस्ट रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने वाली तीन बड़ी कंपनियों के लाइसेंसेस मअल कर दिए गए हैं जी हां सुजुकी टोयोटा और होंडा जो पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने वाली सबसे पुरानी और सबसे बड़ी तीन कंपनियाँ हैं इनके गाड़ियां बनाने के लाइसेंसिस हुकूमत ने मअतल कर दिए हैं और रीज़न क्या है इन्होंने जब लाइसेंस हासिल किया तो जो मुदा किया था उसके तहत इन्हें अपनी गाड़ियों के मेजर ज़्यादा पुर्जे पाकिस्तान में बनाने थे यानी गाड़ी ज़्यादातर पाकिस्तान में बननी थी ऐसा नहीं हो सका अब भी गाड़ियों के बहुत सारे पुर्जे इंपोर्ट करने पड़ते हैं दूसरा जो इन्होंने उस माहे में कबूल किया था एग्री किया था कि हम पाकिस्तान से गाड़ियों की एक्सपोर्ट्स शुरू करेंगे वो भी ये कंपनियां करने में नाकाम रहें हालांकि इनसे बहुत बाद में आने वाली कंपनी शेंगान कंपनी ने उसी पॉलिसी के तहत पहली गाड़ियों की एक्सपोर्ट शुरू की है हम आपको चंद वीडियोस पहले बता चुके हैं कि पाकिस्तान से एस गाड़ियां अफ्रीका एक्सपोर्ट रही हैं तो क्या वजह है कि ऐसी कंपनियां जिन्हें पाकिस्तान में आए हुए 40 साल हो गए हैं वो पाकिस्तान से गाड़ियाँ एक्सपोर्ट नहीं कर रही जबकि ऐसी कंपनी जिसे आए अभी चार साल नहीं हुए उसने पाकिस्तान से गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करना शुरू की हैं सिर्फ नीयत का फर्क है ये तीन बड़ी कंपनियाँ पुरानी हैं इनके मरासम हैं ये रिश्वत देकर लेन देन करके अपना वक्त गुजारती हैं और फिर इन कंपनियों को प्रोटेक्ट करने के लिए जापान के पाकिस्तान में सफी भी हर वक्त अवेलेबल होते हैं वो इन्फ्लुंस करते हैं हैंकूमत को और इनको मराहत देते हैं हुआ कुछ यूँ कि सन दो के अंदर नून लीग की लीगीकूमत ने एक अच्छी पॉलिसी दी जो तो कि ऑटोमोटिव डेवलपमेंट पॉलिसी 2016 से 2021 तक पाँच साल पॉलिसी थी इसके तहत जिन कंपनियों ने भी खुद को अप्लाई किया उन्हें चंद मराहत दी गई लेकिन उन मराहत के वस इन कंपनियों ने एग्री किया कि वो अपनी गाड़ियों का बड़ा हिस्सा ज़्यादातर स्पेयर पार्ट्स लोकलाइज करेंगे पाकिस्तान में बनाएंगे और दूसरा वादा ये किया कि सन 2023 में अपनी कुल गाड़ियों की फरोख्त का दो फीसद एक्सपोर्ट करेंगे यानी अगर किसी कंपनी ने पाकिस्तान के अंदर एक लाख गाड़ियां फरोख्त की हैं सुजुकी की मिसाल ले लें तो एक लाख से सवा लाख गाड़ी पाकिस्तान में फरोख करती है तो उसमें से उसे कम अज कम चार हजार गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करनी थी दो फीसद इन्होंने चार भी नहीं की इसी तरह टोयोटा की मिसाल ले लें वो पाकिस्तान में पचास हज़ार गाड़ी हर साल फरोख करती है उसे यहां से कम अज कम एक हज़ार गाड़ी एक्सपोर्ट करनी थी वो भी करने में नाकाम रही इसी तरह होंडा को तीस हजार गाड़ियाँ हर साल पाकिस्तान में बेचती है उस हिसाब से उसे पाकिस्तान से कम अज कम 500 गाड़ी एक्सपोर्ट करना थी उन्होंने भी एक गाड़ी नहीं एक्सपोर्ट की तो सन 2023 में दो फीसद गाड़ी एक्सपोर्ट करनी थी मुकम्मल नाकाम यही दो हजार में इन कंपनी ने लिख के दिया कि हम लोग अपनी टोटल पाकिस्तान में फरोख की जाने वाली गाड़ियों का चार फीसद एक्सपोर्ट करेंगे और पूरी गाड़ी एक्सपोर्ट करेंगे स्पेयर पार्ट नहीं वो कहां एक्सपोर्ट करेंगे जब उन्होंने दो में नहीं की 2025 का टारगेट 7 फीसद गाड़ियों का था और 2026 में तो इन्होंने वादा किया था कि हम अपनी टोटल प्रोडक्शन का 10 फीसद एक्सपोर्ट किया करेंगे क्योंकि इन्होंने उस ऑटोमोटिव डेवलपमेंट पॉलिसी के ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं की तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के एक जेली इदारे ईडीबी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ने इनके लाइसेंसिस मुत्ल कर दिए हैं और रीजन यही है इनको जरा सबक सिखाया जाए कि क्यों ये कंपनियां पाकिस्तान से एक्सपोर्ट नहीं कर रही इसकी दो तीन बड़ी वजूहत हैं पहली बड़ी वजह कि किकूमतों की नीयत नहीं होती इनसे तगड़े तरीके से, से नब्त आज़मा नहीं होती दूसरा इन कंपनियों के पाकिस्तान के अंदर बहुत लंबे हाथ हैं अब जापान पाकिस्तान को बहुत सारी फील्ड्स के अंदर फंड कर रहा होता है ग्रांट दे रहा होता है तो जब जापानी किसी कंपनी के ऊपर हुकूमत हार डालती है तो फौरन से जापानी सफीर की एंट्री होती है वो प्राइम मिनिस्टर से लेकर हर मिनिस्टर तक जाता है और वहां पर जाकर चीज़ें सेटल करता है इन कंपनियों को फिर माराद दिलवा देता है कैसी बात है कि सुजुकी जिसने जापान के अंदर मैरान जैसी गाड़ी शायद तीस साल पहले बंद कर दी थी पाकिस्तान में तीस साल बाद तक फरोख करती रही और डटाई से करती रही और पाकिस्तान में तो उनके सीईओ ओ यहां तक कहते रहे अगर पाकिस्तानी लेने को तैयार है तो हम क्यों ना बेचें तो जनाब क्या जापान के अंदर लोगों ने इनकार किया था नहीं जापान में हुकूमत ने पॉलिसीज ऐसी बना दी थी कि आप घटिया क्वालिटी और सेफ्टी के बगैर गाड़ियां फरोख्त नहीं कर पाएंगे हुकूमत पाकिस्तान में भी यही कहती है लेकिन ये बड़े बड़े सेठ और तगड़ी कंपनियां उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं करती अब भी पाकिस्तान के अंदर ट्योटा 50 से 55 फीसद स्पेयर पार्ट्स बनवाती है जबकि 45 फीसद बाहर से इंपोर्ट करती है होता कुछ यूं है कि ट्योटा को अगर अपनी गाड़ियों के लिए इंजन बनाने हैं या ट्रांसमिशन नेटवर्क बनाना है जो दो मेजर पोर्शन होते हैं किसी गाड़ी के तो यहां पर बनाए तो पचास गाड़ियों की कॉस्ट ज्यादा आएगी वो क्या करते हैं कि वियतनाम में टोटा का प्लांट है या किसी और मुल्क में ट्योटा का प्लांट है वहां पर ही पाकिस्तान के लिए इंजन या ट्रांसमिशन सिस्टम बनवा लेते हैं वहां पर चूंकि गाड़ी फरोख्त होती है पांच लाख उस पाँच लाख में जब पाकिस्तान का पचास हज़ार ऐड हो जाएगा तो साढ़े पाँच लाख जब गाड़ियों के एंजल्स वहां बनेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी वो वहां से इंपोर्ट कर ली जाएगी और यहां पर लोगों को गाड़ी बनाकर महंगे नाम फरोख्त कर दी जाएगी बजाय यहां पर गाड़ी सस्ती बनाकर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के ये वियतनाम में ये कोरिया में ये दीगर चाइना जैसे मुल्कों में स्पेयर पार्ट बनवाते हैं और पाकिस्तान इंपोर्ट करते हैं ये तो इनका एक नेगेटिव पहलू है एक पॉजिटिव पहलू भी है वो हमें हर दफा देखना चाहिए ये कंपनियां सब कुछ बुरा नहीं कर रही अब इन कंपनियों की वजह से सालाना दो अरब डॉलर के स्पेयर पार्ट गाड़ियों के मुख्तु पुर्जाजात इंपोर्ट होते हैं अगर पाकिस्तान में गाड़ियां संभल करने वाली ये तेरह कंपनियां टोटल ना जिसमें हो जिसमें हिंडाई भी है किया भी है ट्योटा होंडा सुखी वगैरह तमाम तो हमें दो अरब डॉलर्स के मजीद स्पेयर पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करने पड़े जो फिलहाल हम पाकिस्तान में बना रहे हैं आप अज्यूम कर लीजिए कि जो भी गाड़ी पाकिस्तान में बनती है उसका पचास फीसद पाकिस्तान में बनता है और पचास फीसदी इम्पोर्ट किया जाता है तो दो अरब डॉलर्स हम अगर इम्पोर्ट पर खर्च कर रहे हैं तो दो अरब डॉलर्स का सामान लोकल इंडस्ट्री से बनवा भी रहे हैं हमें करना ही है कि जो दो अरब डॉलरस का हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उसको जीरो करके दो अरब डॉल बचाने हैं और फिर इन लोकल वेंडर्स से टैक्स भी लेना है फिलहाल ये कंपनियां टैक्स देती हैं ऐसी बात नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेड है एफ पी आर के नेटवर्क में है इनसे एक एक रुपया टैक्स दिया जाता है तो इनसे कई गुना मजीद टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है अब पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां अलहदा टैक्स देती हैं जो ये असम्बलर्स हैं और इन गाड़ियों के जो स्पेयर पार्ट्स बनाने वाले मुख्तार ढाई हजार फैक्ट्रियां हैं छोटी छोटी वेंडर्स हैं कोई लाइट्स बना रहा है कोई गाड़ियों की सीटें बना रहा है कोई कवर्स बना रहा है तो वो कंपनियां अलहदा से टैक्स देती हैं तो अगर सिर्फ स्पेयर पार्ट बनाने वाली कंपनियों के टैक्सेस का जिक्र करें तो वो सोलह अरब रुपया सालाना हुकूमत को जमा करवाती हैं। और फिर कोई दो मिलियन डॉलर के स्पेयर पार्ट मुल्क से बनाकर एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं जो कि इन्हीं कंपनियों की वजह से मुमकिन हुआ है फिर ये कंपनियां जो असम्बलर्स हैं ये भी तकरीबन 50 से 60 अरब रुपए के टैक्सेस गाड़ियां बेचने की सूरत में हुकूमत को जमा करवाती हैं तो अगर इनको प्रॉपरली पाकिस्तान के अंदर बनाने पर गाड़ियां फरोख करने पर मजबूर किया जाए यकीन कीजिए हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी गाड़ी की लागत भी कम होगी और डॉलर बढ़ने के साथ इनको बहाना नहीं मिलेगा और ये गाड़ियां आवाम को फौरी तौर पर पहुंचा सकेंगे पाकिस्तान में सब कुछ करना मुमकिन है अगर नहीं तो नीयतों का फगदान है जिस दिन हमारी रियासत के पास नीयत आ गई ये तमाम माफियाज़ को कंट्रोल करने की साहिद रखती है अब इन कंपनीज के लाइसेंसेस दो तीन दिनों में बहाल ज़रूर हो जाएंगे लेकिन ये रिटर्न एग्रीमेंट दोबारा करेंगी हुकूमत के साथ कि जनाब हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे और अगर सूकी ने पाकिस्तान से चार पाँच हज़ार गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करना शुरू की ट्योटा ने शुरू की होंडा ने की बाकी तमाम में की यकीन तो कीजिए पाकिस्तान में जॉब्स नहीं करिएट होंगी पाकिस्तान में टैक्सी नहीं आएंगे और पाकिस्तान में मजीद हमें एक खुशहाली का दौर देखने को मिलेगा आज को के इतने ही अपने मेज़बान अब्दुरहमान को इजाजत दे दीजिए अल्लाह